है। तो यहाँ पर अभी मैं एक्सीलेटर दे रही हूँ, तो ये देखिए ये पीछे जा रही है, इसका जो पिकअप है बहुत ही ज़बरदस्त है रिवर्स असिस्ट में भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग टीवी। फ्रेंड्स, लिविंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइज़ फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएं। दो टाइप की बैटरी होती है, एक होती है लिथियम आयन बैटरी जो कि फास्ट चार्ज होती है, और दूसरी होती है लेड एसिड जो कि स्लो चार्ज होती है। सो आज मैं आपको ऐसे ही एक लिथियम आयन बैटरी का जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ, और उस स्कूटर का नाम है इंटरसिटी एविलस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ कबीरा मोबिलिटी के शोरूम में, और ये ऑटो ईस्ट इंडिया LLP जो कि वाकड़ पुणे में है, यहाँ पर आने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल है आप इनको देख सकते हो या फिर इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। सो प्लीज़ आप इनके शोरूम में विजिट दीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। स्कूटर के फ्रंट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है ये हमें यहाँ पर ग्लॉसी व्हाइट कलर में देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ ये देखिए, ये है कंपनी का लोगो, यहाँ पर बैचिंग दिया गया है। ये देखिए कबीरा मोबिलिटी, उसी के साथ ये है इसके हेडलाइट और ये है पार्किंग लाइट। अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए पार्किंग लाइट ऑन करा है यहाँ पर, और ये है इसका प्रोजेक्टर हेडलाइट। उसी के साथ मैं अब आपको इसके इंडिकेटर्स भी ऑन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इंडिकेटर्स, ये है लेफ्ट इंडिकेटर और ये LED यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और ये है 10 इंच का ट्यूबलेस टायर, और ये सीएट कंपनी का दिया गया है। ये है 180 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेक लगा सकते हो। ये देखिए ये है इसका रेयर ब्रेक, यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी कम दिया गया है तो हमें इजी हो जाता है ब्रेक प्रेस करने के लिए। ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, ये है इंडिकेटर का स्विच, ये देखिए काफ़ी इजी है मूव करने के लिए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी काफ़ी कम दिया गया है, और ये यहाँ पर हॉर्न का स्विच है, और ये है डमी स्विच। उसी के साथ यहाँ पर राइट साइड में जब हम देखते हैं तो ये है इसका फ्रंट ब्रेक, ये है इसका एक्सीलेटर, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है। ये है पार्किंग और हेडलाइट का स्विच, ये है मोड का स्विच, ये देखिए इको सिटी एंड स्पोर्ट्स। उसी के साथ ये है इसका किल स्विच, और ये है रिवर्स असिस्ट का स्विच। सो फ्रेंड्स, ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले, ये देखिए ये लगता है एक मोबाइल फ़ोन ही है उसके जैसे ही दिखता है, पर जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ दिखता है इस तरह से। ये है इसका ओडोमीटर जो कि अभी ट्रिपोमीटर बन गया है, और ये है इसका बैटरी स्टेटस, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं, तो आप इसके हिसाब से बैटरी को चार्ज कर सकते हो। ये है इसका स्पीडोमीटर, ये है यहाँ पर फर्स्ट मोड, ये है सेकंड मोड, और ये है इसका थर्ड मोड, और ये देखिए जब हम इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइट है इस तरह से हमें दिखते हैं ग्रीन कलर में, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पार्किंग लाइट ऑन करा है तो यहाँ पर भी हमें वो दिखता है कुछ इस तरह से। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट के मोड पे कितना स्पीड मिलता है। तो चलिए देखते हैं, इको के मोड पर हमें यहाँ पर मिलता है मैक्स टू मैक्स 11 का स्पीड। नाउ सिटी सेकंड मोड, ये देखिए सेकंड मोड पर हमें 21 का स्पीड यहाँ देखने के लिए मिलता है। नाउ थर्ड मोड, तो ये देखिए थर्ड मोड मैंने डाल दिया है, थर्ड मोड पर यहाँ मैक्स टू मैक्स हमें मिल जाता है 36 का स्पीड। सो चलिए अब मैं आपको इसके मिडिल एरिया के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए ये है यहाँ पर हुक दिया गया है, आप यहाँ पर
बैग्स हैंग कर सकते हो, उसी के साथ यहाँ पर भी जगह दी गई है, तो आप आपका ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल भी यहाँ पर रख सकते हो, उतनी जगह है वहाँ पर। उसी के साथ ये है यहाँ पर लेग स्पेस, तो आप आपकी बैग है या फिर कोई सामान ला रहे हो तो वो भी रख सकते हो। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। उसी के साथ ये देखिए, ये है यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने का सॉकेट, तो आप विदाउट बैटरी निकाले हुए आपकी बैटरी यहाँ से ही चार्ज कर सकते हो। फ्रेंड्स और एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये देखिए USB मोबाइल चार्जिंग के लिए कट आउट दिया गया है, आप चाहो तो इसे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ लगवा सकते हो। तो आइए अब मैं आपको इसकी सीट के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए, ये है इसका सीट, यहाँ पर दो लोग काफ़ी आसानी से बैठ जाएंगे और काफ़ी कम्फर्टेबल है। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी स्टिच नहीं दिया गया है, पूरा प्लेन है ये, तो बहुत ही अच्छा है और चौड़ा भी है। उसी के साथ इसका थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये ग्रैप होल्डर दिया गया है जो कि सिल्वर कलर में है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसका सीट खोलना कैसा है। ये जो की है इसे हमें घुमाना है लेफ्ट साइड में, तो ये जो हमारा सीट है ये खुल जाता है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये है इसका बूट स्पेस, ये 40 लीटर का है और इतना बड़ा बूट स्पेस मैंने पहली बार देखा है। ये देखिए, आप आपका पूरा ग्रॉसरी सामान तो ला ही सकते हो इसमें, एक्स्ट्रा सामान भी ला सकते हो इसमें, आपके दो हेलमेट भी आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई, शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो आप इसमें आपका सब सामान रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। उसी के साथ ये देखिए, यहाँ पर भी ये स्विच दिया है, स्कूटर का ऑन ऑफ स्विच, अगर आपके स्कूटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपके स्कूटर को प्रोटेक्ट करता है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो स्कूटर है ये लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है, तो आइए इसकी बैटरी कहाँ है दिखा दूँ मैं आपको। तो देखिए, इसकी जो बैटरी है ये यहाँ पर फुट बोर्ड में दी गई है नीचे के साइड पे। ये है वो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी जो कि 60 वोल्ट 35 एम्पियर की है और ये नॉन पोर्टेबल है, आपको इसे जगह पर ही चार्ज करना होगा। चलिए अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए, ये है इसका चार्जर, ये है इसका 3-पिन प्लग और ये बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट है। और इसका जो चार्जर है ये दिखता है कुछ इस तरह से, ये हमें यहाँ पर सिल्वर कलर में मिल जाता है देखने के लिए। और इसका आउटपुट वोल्टेज है 68.5 वोल्ट और ये 6 एम्पियर का है, और ये 6 एम्पियर के होने की वजह से 5 से 5.5 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूँ कि इसे चार्ज कैसे करना है स्कूटर को। तो ये देखिए, ये है मेरा एनर्जी मीटर, ये है मेरा एनर्जी मीटर, इसे मैंने घर पर बनाया हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बैटरी है ये कितने वॉट से चार्ज होती है। तो चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसका जो 3-पिन प्लग है मैंने यहाँ पर सॉकेट पे लगाया हुआ है, और ये है चार्जर का सॉकेट जो कि मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ एनर्जी मीटर पर, ये देखिए इस तरह से। और ये है चार्जर का सॉकेट, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ स्कूटर पर, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो स्विच है इसे ऑन कर दिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कुछ इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि ये कितने वॉट से चार्ज हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये हो रहा है यहाँ पर 444.6 वॉट से हमारी ये जो बैटरी है ये यहाँ पर चार्ज हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर चार्जर पर भी यहाँ पर हमें ये दिखता है कि हमारी जो बैटरी है ये कितने परसेंट से चार्ज हो रही है। ये देखिए, 25% है, ये हो गया 50%, ये हो गया 75%, और ये है यहाँ पर 100%। आइए अब मैं आपको इसके रेयर के बारे में जानकारी दे दूं। ये है 250 वॉट की BLDC मोटर और इसका पीक आउटपुट है 500 वॉट्स का। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे व्हील में ही दिया गया है और ये वाटरप्रूफ है। उसी के साथ ये है इसके ट्यूबलेस टायर और ये है ड्यूल रेयर एडजस्टेबल सस्पेंशन। आप सिंगल सीट हो तो भी इसे एडजस्ट करके चला सकते हो, या फिर आप डबल सीट हो तो भी इसे एडजस्ट करके आप चला सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर भी ये स्टिकर दिया गया है, ये है इंटरसिटी एयरलूज का स्टिकर, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ ये देखिए,
नीचे के साइड पे भी यहाँ पर ये है साइड स्टैंड, यहाँ पर भी ये मेन स्टैंड दिया गया है, यहाँ पर भी फुटरेस्ट दी गई है। ये है 180 mm का रेयर डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को और भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे दूसरे चैनल पर, उस चैनल का नाम है लिवियंग टीवी व्लॉग, सो प्लीज़ आप उस चैनल पर विजिट दीजिए। और मेरा दूसरा भी चैनल है जो लोग गेम में इंटरेस्टेड है उनके लिए, जुरासिक गेमिंग वर्ल्ड, तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। इसी के साथ अब मैं आपको इसके जो लाइट्स बैक साइड के वो ऑन करके दिखाती हूँ। ये है इसका पार्किंग लाइट और ये है इसका ब्रेक लाइट और ये देखिए ये है इसके इंडिकेटर्स। ये जो लाइट्स है ये सब LED लाइट यहाँ पर दिए गए हैं और आप देख सकते हो इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसके जो शेप्स है बहुत ही खूबसूरत हैं। और नीचे के साइड पे भी ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए भी जगह दी गई है, यहाँ पर नीचे के साइड पे भी लाइट दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे दूँ। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है पूना वालों के लिए 76,000 ओनली और इस स्कूटर के लिए आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि इस स्कूटर में रिवर्स असिस्ट का भी फीचर है, तो आइए इसे कैसे करना है दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर है ये बटन, इसे हमें प्रेस करना है और एक्सीलेटर देना है। मैंने इसे फर्स्ट के मोड पे डाला हुआ है जो कि फर्स्ट मोड पे ये 10 के स्पीड से जाती है, तो यहाँ पर अभी मैं एक्सीलेटर दे रही हूँ। तो ये देखिए ये पीछे जा रही है, इसका जो पिकअप है बहुत ही ज़बरदस्त है रिवर्स असिस्ट में भी, ये देखिए इस तरह से। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका टेस्ट ड्राइव करके दिखा दूं, पर इसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर तक जाती है। तो चलिए अब हम लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव। सो गाइस, चलिए अब देखते हैं इको के मोड पे हमें कितना स्पीड मिलता है। तो ये मैं चला रही हूँ, तो देखिए 20, यहाँ पर 20 का स्पीड मिल जाता है हमें। तो चलिए अब देखती हूँ, सेकंड मोड पे डालती हूँ इसे मैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मैं इसका टेस्ट ड्राइव ले रही हूँ, देखते हैं सेकंड मोड पे हमें कितना स्पीड मिलता है। ये है 27 का स्पीड मुझे यहाँ पर मिल जाता है सेकंड के मोड पे। नाउ थर्ड मोड, जस्ट अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है, तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इसके जो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है, इसका जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। उसी के साथ इसका जो पिकअप भी बहुत ही अच्छा है, ये आप इसे हाई हिल पे भी चला सकते हो। ये मैं आपको हाईवे के लिए रेकमेंड करती हूँ। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इनके शोरूम में आइए, एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगी। उसी के साथ बता दूँ कि इसकी जो हाइट है स्कूटर की वो भी बहुत अच्छी है, थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है। इस स्कूटर का वेट है 85 kg का और ये ले पाती है 150 तक वेट। और इस स्कूटर की बॉडी जो है वो है फाइबर की, तो आप लोग आइए इनके शोरूम में एक बार विजिट दीजिए और डिसाइड कीजिए आपको ये स्कूटर पसंद आती है या नहीं। सो गाइज, ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी। मैं ऐसे ही आऊँगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने, तब तक प्लीज़ आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।